अब एक्चुअल में ठंड पता चल रही है तेरे को, मुझे ऐसे ही कवर रहना है तेरे को, हमें वापस घर भी लेकर जाना है। इतने ज्यादा बबल्स हैं, लिटरली ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले क्लाउड कम पड़ गए, हम क्लाउड्स के बीच में बैठे हैं। तो सोनिया जी, हम कहाँ जा रहे हैं? 12 साल बाद हम आए हैं मनाली। हम स्कूल में थे तब मन्नी और मैं साथ नहीं थे। मन्नी की मैं छोटी सी क्रश हुआ करती थी। छोटी सी क्रश क्या होता है? मतलब तू तो अभी भी छोटी सी है। तो अब हम साथ में आए हैं, पहले हम स्कूल ट्रिप पे आए थे yes. और अब 12 साल बाद हम मनाली आए हैं। बस अभी हम रस्ते में हैं, मनाली पहुंचे नहीं है, लेकिन मनाली में हम कुछ स्पेशल जगह के लिए आए हैं yes. हम कुछ नया देखने आते हैं हमेशा, इस बार भी कुछ नया एक्सपीरियंस करने आए हैं। और चलो चले वहीं देखेंगे। और हमारे एक छोटा भैया भी आया है साथ में हमारे, गाड़ी और छोटा भैया पीछे। सो कंफ्यूज किसकी बात हो रही है। मैगी, आटा मैगी, खुद की मैगी लेके चलते हैं हम, ताकि हम बनवा के खाएंगे। जितना सोचा था उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है हमें पहुंचने में, क्योंकि अभी भी रिकवर हुआ नहीं है एरिया जो मॉनसून में थोड़ी तबाही हुई थी। वैसा नहीं है कि रास्ता नहीं है, रास्ता है, बट थोड़ा दूसरी तरफ से आना पड़ा हमें। बस 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे हमें। काफ़ी देर से चल रहे हैं, रात से निकले हुए हैं, 11 घंटे तो लग जाएंगे। दिल्ली से 11 घंटे है यहाँ पे। ड्राइवर का नेम यश भारद्वाज। तो फाइनली हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं, ग्लैम्पिंग क्लब इंडिया। क्या मस्त मौसम हो रहा है यार। हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे 12 घंटों के बाद पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी मन्नी अपना पार्किंग करने जा रहा है। सन्नी और मैं जा रहे हैं नीचे, थोड़ा देखते हैं क्या कैसे है। हम जो बाहर नीचे से देख रहे थे, हम लिटरली उनके ऊपर ही आ गए हैं, बिल्कुल वहीं पे ही हैं हम। दिस इज सो क्रेजी। तेरा फोन मेरे पास है। जो व्यू है ना यहाँ से वो बहुत बढ़िया है। और व्यू क्या, ये जो बना हुआ है ना डॉम, वो बहुत मस्त है। अंदर बेड है, वॉशरूम भी अंदर ही है yeah. और सबसे बढ़िया जकूजी, मिस्टर जकूजी। यहाँ चिल करेंगे शाम को, अपना मस्त बर्फीले पहाड़ दिख रहे सामने, लाइक ऊपर ऊपर, बट नीचे हरियाली है पूरी। इट्स सो क्रेजी, मस्त ठंडक हो रखी है। धूप है तो अभी इतना पता ही चल रहा है, शाम को तो बहुत ठंड लगने वाली है। और ये है जो मैं बात कर रहा था, ये रात को जो तारे दिखेंगे ना यहाँ से, ये खुद तारा बना हुआ है। तारों की छाव में सोने वाले आज हम। कितना मस्त है वॉशरूम, ये देखो कितना कूल है। तेरा हमारा वॉशरूम, मेरा हमारा स्लाइडिंग नहाने वाला एरिया। ये इनका प्रीमियम वाला है, और इसके नीचे एक और भी है लग्जरी वाला, वो इससे भी बड़ा है। एंड उसके ऊपर भी सोने का है, लाइक डबल बेड टाइप्स है वो। हाँ, तो वो और भी मस्त है, लेकिन ऑब्वियसली वो बुक्ड हो जाता है जल्दी, तो हमें नहीं मिला वो टाइम पर। लेकिन आओगे तो वो भी ले सकते हो, वो फैमिली के लिए बहुत बढ़िया है। व्यू हर जगह से बढ़िया दिख रहा है। हमने इतना मस्त ड्रोन शॉट लिया, इतनी बढ़िया जगह लग रही है। दिल में सोनिया, वही सच्ची में इसे ले चले घर। आ जा भैया, देखो गाइस कितना अच्छा नजारा है, ये देखो ये मेरे पास आ गया। चलो इसे छोड़ देते हैं वादियों में, जा उड़ जा प्यारे कीड़े। वाओ, बॉयज आर ऑब्सेस्ड। हम तो लग गए हैं मेन्यू देखने में, तो इतने बाहर के नजारे ले हम थोड़ा खा लेते हैं। मैं, मुझे भी भूख लग रही बहुत ज्यादा हो रहा है मेन्यू, पता है इसमें साउथ इंडियन भी है, चाइनीज भी है, राजमा चावल वगैरह ऐसा कुछ होगा। अभी राजमा चावल कर दो एक। तो रात को इतनी ठंड होने वाली है कि यहाँ पे इनबिल्ट हीटर है, मतलब दिसंबर में ज्यादा होती होगी, लेकिन हमें लग रहा है आज भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ठंड लग रही है, होने वाली है ज्यादा तेज। लकड़ियाँ ऑलरेडी है, जलाओ मस्त हीटर, गर्मी भी, और वो वाला हीटर भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक हीटर। अब थोड़ा मैं चिल कर सकता हूँ, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत लंबा रास्ता यार। मैं कह रही हूँ मन्नी को दाद देनी पड़ेगी। वो अभी हम जैसलमेर वाली ट्रिप से आए थे 14-15 घंटे की, अप डाउन करके 2 दिन बाद हम दोबारा निकल गए यहाँ पे। 12 घंटे की ड्राइव करी है मन्नी ने, और बीच में तुम्हें पता ही है जो भी हम शूट वगैरह कर रहे होते हैं वो घर जाके हम एडिट भी करते हैं। तो हैट्स ऑफ मन्नी के लिए, एक लाइक। ये देखो सो रहा है मन्नी, खाना आ गया। अब घर नहीं आया, इट्स ओके, यू रेस्ट। तब तक देखो अभी वापस कल घर भी लेकर जाने 12 घंटे। ओ गॉड, वाओ, देखो कौन वेलकम करने आया हमें। हेलो भैया, आप तो बहुत ही प्यारे लग रहे हो। क्या नाम है आपका? तुफास। ओ यार कितने मस्त बाल है इसके। वाओ, आज से आपका नाम भालू है। ओके,
पहाड़ों के राजमा चावल अच्छे होते हैं, बट ये बहुत ज्यादा स्वाद है। हम क्या मस्त एक घंटा सोए हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नींद थी। चीयर्स करते हैं पहले, ये देखो वो पीछे एंजॉय करने हैं पूरा अकेले। उन्होंने हमारे लिए बहुत ही स्पेशल ऐसे जकूजी बाद बाहर प्लान करा, इतने ज़्यादा बबल्स हैं, लिटरली ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले क्लाउड कम पड़ गए, हम क्लाउड्स के बीच में बैठे हुए हैं। और ये गर्म पानी है, ऐसा नहीं है हम ठंड में मजे बीमार होंगे, नहीं। व्यू इतना ज़्यादा ऑसम है, पूरा हमने सनसेट देखा है पहाड़ के पीछे, अभी सन गया जस्ट 2 सेकंड पहले। इट्स सो प्रिटी, लाइक ऐसा लग रहा है कि जितनी भी थकान थी मतलब मेरी तो उतर गई है, मन्नी की लग ही रहा है देख के, तो पीछे पूरा चिल कर रहा है वो बैठ के आराम से। थोड़ी देर हम सो भी लिए थे ना, तो उतना काफी था। yes. खा पी भी सकते हैं, मेरे को थोड़ी और भूख लग रही है। पानी भरने का ट्राई कर रहा हूँ मैं, गलती से हमने वो हल्का सा खुला छोड़ दिया तो वो पानी खत्म हो गया। हाँ इसमें ना या तो बिल्कुल ही गर्म पानी आ रहा है या फिर बिल्कुल ही ऐसे ठंडा पानी आ रहा है, तो या मिक्स करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। बना दिया मैंने, ऐसे मिक्सिंग करी है यहाँ पे, गर्म पानी और वो ठंडा मिक्स कर दिया। सुंदर बादल, स्नैक टाइम, मिक्स पकौड़े और हमारी मन पसंद आटा मैगी। ओए होए, अरे यार ये ठंडी हो जाएगी। एक्चुअल में इतना मजा आया जकूजी में, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ठंड है, मतलब ठंड इतनी है नहीं, मतलब मुझे तो नॉर्मल लग रहा है। वैसे एक्चुअल में पता नहीं चल रहा ज्यादा, पता नहीं चल रहा, और गर्म जकूजी था ना तो और मजा आया। yes. और यहाँ पे अब लाइट भी जल गई है ना साइड में, तो और बढ़िया लग रहा है। अभी तो डिनर भी करेंगे, मनी ने मेरे लिए दोबारा गर्म करवाई है मैगी, वही हम लग रहा है, हम सब रेडी हो गए हैं। अब एक्चुअल में ठंड पता चल रही है मुझे, देखो ऐसे ही कवर रहना, देखो हमें वापस घर भी लेकर जाना है। सच्ची में अपनी सेफ्टी कर रहा हूँ मैं, ताकि हम आराम से जा पाए कल सुबह, और सुबह बहुत ज्यादा लंबा रास्ता है ही ऑलरेडी हमारा। इट्स ओके, रिलैक्स रिलैक्स, चिल एंजॉय। ये है जकूजी का लास्ट का बचा हुआ सीन, तहस नहस हो गया बेचारा ये। हाँ लेकिन बहुत मजा आया, ये बेस्ट पार्ट था यहाँ का, मुझे नहीं लगा था इतनी ठंड में। एग्जैक्टली पता है, नीचे जब ठंड होने स्टार्ट हो गए थे ना, जब पहाड़ों पे चढ़ना शुरू हुए थे, मैंने गिव अप कर दिया था, मैंने कहा नहीं मुझसे नहीं होगा, बट कितना मजा आया, आराम से हो गया। यस मैं भी सुबह उठ के सारी कल रात की वीडियोस देख रही हूँ एक एक करके, क्या हुआ एक्चुअली कल। एक्चुअली थोड़ा सा क्रेजी हो गया था, एक तो बहुत ज्यादा ठंड हो गई थी, मैं अंदर थोड़ी देर के लिए गई अपने आप को कोजी करने के लिए, और मैं इतना कोजी हो गई दैट आई स्लेप्ट, बट बॉयज हैड सो मच फन। मैंने देखा कि अंदर जो फायर प्लेस है वहाँ पे उन्होंने आग भी जलाई, एंड क्योंकि ठंड ऑब्वियसली ज़्यादा हो गई थी, खाना वाना ठंडा हो जाता, उन्होंने अंदर खाना भी खाया। हमने हमारे छोटे भैया सन्नी के लिए एक्स्ट्रा बेडिंग भी लगवाई थी, ही स्लीपिंग वहाँ पे नीचे। एंड मैं अंदर आई, देखा मन्नी लैपटॉप पे लगे, मन्नी का पता ही नहीं चलता यार कब वो सो रहा है, कब उठ के वो लैपटॉप पे काम करने शुरू हो गया। गुड मॉर्निंग, तुमने बहुत मजे कर रहे हैं कल रात को। मतलब हम थोड़ा लेट सोए ना, लेकिन बस बढ़िया है, मैं तो उठ गया टाइम पे, सनराइज होने वाला है। मैंने देखा तूने इतना प्यारा डिनर सेटअप कर रखा था, एंड मेरी याद में कि ये तो सो गई, चलो कोई नहीं, इसकी याद में कि ये इसकी सीट है यहाँ ये बैठेगी, तूने मेरी क्रीम की बॉटल रखी हुई थी इसकी कोई निशानी रख देता है टेबल पे। सुबह सुबह हेलो करने आया हमारा दोस्त, टी टाइम चल रहा है, घर नहीं जाना ना, ठंड है, मैं तो कह रही हूँ चलो घर। नहीं नहीं बहुत मजा आ रहा है, अभी धूप आएगी तो और बढ़िया लगेगा ना, दूसरी लाइफ शुरू हो गई है। साड़ी से शूट करना है इसे, मेरे को शूट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, जल्दी पहन चल, वैसे तो धूप आ गई है तो अब सही लगेगा। क्या कर रही है? ये नेकलेस इतना ठंडा हो गया है, गरम बिल्कुल पहाड़ के टिप से सन निकला है, मैं तो बाहर ही रहूंगी अब। जस्ट शूट खत्म करते धूप आ गई। मैंने ना खुद का एक लॉजिक निकाला, हम ऐसे रहते हैं तो हमारे हाथ भी ऐसे रहते हैं, लाइक ये चीज़ ऊपर होती है, तो मुझे लगता है यहाँ पे तो धूप लगती ही है, यहाँ कभी धूप नहीं लगती, तो जब भी धूप आती है आई एम ऑलवेज लाइक दिस, कि मेरे हाथों को धूप लग जाए, पेट को धूप लग जाए, यू नो, बकवास। या दैट्स जस्ट माय लॉजिक। चाय पी के मजा आ गया। ये हमने मंगाई है मैगी, सोनिया की आटा मैगी आती रहती है, और ये है सैंडविच। बस सुंदर ब्रेकफास्ट करने के बाद इतना जो फैला हुआ है, हम पैकिंग कर रहे हैं, निकल रहे हैं अब इतनी सुंदर जगह से। इनफैक्ट हमारे कल के कपड़े भी नहीं सूखे पूरा ही हमने ऐसे फैला रखे हैं कपड़े, ताकि ये सूख जाए, थोड़े से पैक कैसे करेंगे ये, कल के हमने जो जकूजी में फन किए थे वो गीले कपड़े सारे। एक बार लास्ट व्यू देख लेते हैं,
मैं ही पैकिंग कर रहा हूँ या तुझे भी करनी है? अच्छा एक बार व्यू तो देख ले। व्यू तो बहुत बढ़िया। चलो देख लिया, आ गया। फाइनल बाय बाय। क्या मस्त व्यू दिख रहा है ऊपर से भी। मस्त। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। यस। मजा आया बहुत ज्यादा यहाँ पे रह के। लिंक सारे नीचे होंगे, जो भी देखना है वहाँ पे मिल जाएगा और बुक कर सकते हो, वो वाला भी, बड़े वाला भी, छोटे वाला भी। और एक मिनट सांस ले लूँ मैं और फिर चलते हैं, लंबा रास्ता है। बाय बाय। सांस सांस थाम, 12 घंटे गाड़ी चला ली है।